अभी तक जितने वीडियो हमने और किसी और लोगों ने भी बनाए होंगे, सबने सिर्फ जॉब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और ग्रोथ उन सब के बारे में ही सबने वीडियो बनाया होगा, जनरली लोग जो बनाते हैं। आज मैं आपको उसके दूसरे पहलू पे नज़र डालने को कहता हूँ कि बताता हूँ कि उसमें क्या क्या और भी है जो फ्रेशर जो जॉब करने के लिए आते हैं, डिग्री करने के बाद जो जॉब करने के लिए आते हैं, जो और उनको और एक्सपीरियंस लोग जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो क्या क्या फेस करते हैं जनरली। क्योंकि हमेशा हम सिर्फ ग्रोथ की बात, परफॉर्मेंस की बात, इंडस्ट्री में इतना एक्सपोजर है सिर्फ उसी की बात पे, वो तो एक साइड हुआ और उसके दूसरे साइड भी हमें जानने का हक होता है कि उसका दूसरा साइड क्या हो किसी भी इंडस्ट्री का। तो हम सिर्फ अपने इंडस्ट्री की बात करेंगे, गारमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे। गारमेंट इंडस्ट्री का दूसरा पहलू क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो मेन सीज़न गारमेंट इंडस्ट्री होता है, जनरली बायर दो ही सीज़न में काम करते हैं। एक सीज़न में बहुत अच्छा काम होता है जो कि टाइम होता है हमारा अक्टूबर से लेके मार्च तक का, मार्च से पहले ही थोड़ा वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा जो पीक टाइम होता है वो शिपमेंटें दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये समय पीक टाइम। उस समय किसी भी मर्चेंट या किसी भी प्रोडक्शन वाले टीम को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती, वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अपनी शिपमेंट निकालने में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद जो टाइम आता है, फिर वो दूसरा जो होता है वो मई जून के आसपास होता है, लेकिन थोड़ा सा कम, स्प्रिंग समर अप्रैल के आसपास का जो टाइम होता है वो होता है। लेकिन जो मेन इन दो सीज़नों के बाद का जो टाइम होता है, जो सीज़न में हम काम कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर है, बहुत प्रेशर में काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, इतने काम करने के बावजूद जब भी ऑफ सीज़न स्टार्ट होता है, यानी अप्रैल के बाद और जुलाई अगस्त तक, ये जो ऑफ सीज़न का टाइम होता है, ये सब काम करने वाले सारे एम्प्लॉय इस इंडस्ट्री के एक कठिन दौर से गुजरते हैं, भले वो किसी लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो या फिर बड़े लेवल पे। उस समय होता है कि कंपनी के पास काम कम होती है और कंपनी हर साल एक रूटीन बना के रखती है। जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कंपनी, बट जनरली कंपनी एक रूटीन बना के रखती है कि हमें इतने स्टाफ को निकालना है अपनी कंपनी से, क्योंकि हमें अपनी कंपनी का कॉस्ट कटिंग करना है। अरे भाई, अगर कॉस्ट कटिंग करना है तो आपने इतने बंदे को हायर क्यों किया, जो कि आप एक सीज़न में जब आपके पास काम हो तो सबको हायर कर लिया, अरे दूसरे कंपनी से जॉब छोड़ छोड़ के लोग आ गए हैं, और जब आपका काम निकल जाता है तो उसके बाद जब भी सीज़न ऑफ हो तो आप उसको निकालने की बात करते हैं। इसलिए ये हमेशा होता है और बड़ी कंपनियों में कह सकते हैं ज़्यादा होता है। अगर छोटी कंपनी की, बहुत छोटी कंपनी और छोटी कंपनी की बात करें तो वो लोग शुरू से ही लिमिटेड स्टाफ हायर करते हैं। तो लिमिटेड स्टाफ हायर करते हैं, अब लिमिटेड स्टाफ में शुरू से लेके पूरा साल भर काम चलाते हैं कि ज़्यादा काम आने पे भी यही लिमिटेड स्टाफ काम करेंगे और कम काम होने पे भी हम इनको अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन बहुत ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो जब काम आता है तो इतने बंदे हायर कर लेते हैं और जब काम ख़त्म होता है तो वो निकालना स्टार्ट करते हैं। किसी भी एम्प्लॉय के लिए अच्छी बात नहीं होती है कि ऑफ सीज़न होते ही उसके हाथ से जॉब चली जाए, क्योंकि उसी से सबकी सैलरी, उसके घर के खर्चे, उन्हीं सैलरी से उनके घर के सारे खर्चे जुड़े हुए होते हैं। तो वो अचानक सब कुछ सैलरी आना जब बंद हो जाता है तो अचानक सब कुछ रुक जाता है और सब लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि कैसे अब घर खर्च चलेगा। फिर
फिर से नई तरीके से दूसरी कंपनी ढूंढना है, स्टार्ट करो दूसरी कंपनी में। अब 2-3 महीने तो सब कंपनी ने निकाला ही है, 2-3 महीने तक, 2-3 महीने कहीं जॉब मिलेगा ही नहीं। तो जब फिर जॉब होना स्टार्ट हो तो फिर से नए सिरे से ढूंढना है, स्टार्ट करो किसी कंपनी में, फिर से मेहनत करो, मतलब अपना काम करके परफॉर्मेंस सेट करके उस कंपनी में जमने की कोशिश करो, फिर जाके धीरे धीरे सेट हो। फिर अगले साल वैसे से ही फिर ऑफ सीजन आएगा, कंपनी का फिर से वही हाल हो जाएगा। बहुत ऐसी कंपनी है जो जब अप्रैल के बाद और जुलाई अगस्त तक अपना प्रोडक्शन यूनिट तो बंद कर देते हैं, फिनिशिंग यूनिट साफ बंद कर देते हैं, लेकिन जो सीनियर स्टाफ होते हैं, मर्चेंडाइजर होते हैं और जो डिज़ाइन टीम होती है और भी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट के लोग को भी सब निकालते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है। अब मर्चेंडाइजिंग या मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें एक जो ड्रॉबैक है बहुत बड़ा कि एक्सपोर्टरों ने अपना वो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है जनरली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हमारा बजट 50,000 रुपये तक का है। तो आप अगर किसी कंपनी में 80,000 रुपये भी काम करके आए हो और कॉस्ट कटिंग के कारण आपकी जॉब चली गई है, तो और आपके पास अगर मान लो 6 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो दूसरी कंपनी में जब जाते हो तो ये नहीं कि पुरानी कंपनी आपकी सैलरी अच्छी खासी थी, 80,000-90,000 रुपये सैलरी थी, तो दूसरी कंपनी उस बेस पे आपको जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो कंपनी पहले ही से सेट कर रखी है कि मैं तो मेरा तो बजट भाई 50,000 रुपये का है या 40,000 रुपये का, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसा नहीं, बहुत सीमित है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, इसमें छोटी कंपनियों की संख्या ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बड़ी कंपनियों की संख्या। तो और सब ने अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि मुझे इतने ही पैसे इसमें खर्च करने हैं। एक और चीज़ होता है, जब कंपनी में स्टाफ सब पुराने होते चले जाते हैं तो उनकी सैलरी बढ़ने लगती है, कि जब सैलरी बढ़ने लगती है 2-3 साल 4 साल हो जाते हैं तो कंपनी को लगता है मैं इनको ज़्यादा सैलरी दे रहा हूँ, तो किसी न किसी बहाने उनको फिर टाटा बाय बाय बोला जाता है। अब आपकी सैलरी अच्छी हो गई थी, आप अच्छे ढंग से सेटल हो गए, आपका खर्चा उस हिसाब से आपने सेट कर लिया, बच्चे की पढ़ाई और घर का लोन वोन जो भी होता है सब कुछ सेट कर रखा, लेकिन अब कंपनी सोचेगी कि नहीं मुझे तो इतनी सैलरी में अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी न किसी बहाने आपको धीरे धीरे कॉस्ट कटिंग के लिस्ट में आपको डालेगी और फिर आपको जॉब से अपना हाथ धोना पड़ेगा, फिर आप नए तरीके से जॉब ढूंढो। और ये सबसे बड़ी बात है, ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि चलो कोरोना आया जिसके कारण हो गया, ऐसी बात ही नहीं है, ये हर साल रूटीन लाइफ में बड़ी बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां, बहुत छोटी नहीं, छोटी छोटी कंपनियां भी रूटीन लाइफ में बना के रखती है, क्योंकि उनके पास जब भी ऑर्डर कम हुआ निकाल दो, जब ऑर्डर आने लगे ले लो, अरे भाई वो जाएंगे कहाँ। तो ये एक प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने लाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे घबराना है, क्योंकि ये तो होता ही रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे, लाइफ रुकती नहीं है कभी भी, क्योंकि कंपनी कभी भी सारे स्टाफों को नहीं निकालती, वो अपने कॉस्ट कटिंग में उन्हीं स्टाफों को निकालती है जिससे लगे कि इसके बिना कंपनी चल सकती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उन स्टाफों में बने जिससे कंपनी को लगे कि आपके बिना कंपनी नहीं चल सकती है, इसलिए अपना परफॉर्मेंस इतना ऊंचा रखे, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखे कि कंपनी को लगे कि आपके बिना कंपनी चलनी संभव नहीं है। इसलिए हम लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।